तो दोस्तों स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉब कार्ड बनाते वक्त या उसमें आधार फीडिंग के वक्त किसी और का आधार फीड हो जाता है तो आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब कार्ड पर आधार कार्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सर्च बार में लिखना है नरेगा। फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे नरेगा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है और यहाँ पे क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डाटा एंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपने राज्य पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक लॉगिन पेज आएगा जिसमें आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी होती है, यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ग्राम पंचायत सहायक या ग्राम रोजगार सेवक के पास मिल जाएगा, आप उनके पास जाइएगा, लॉगिन कर लेना है। आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आपके सामने ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री का पोर्टल खुल जाएगा। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शंस स्टार्ट हो रहेंगे जैसे कि D1, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जॉब कार्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बुल्क अपडेशन ऑफ आधार शेडिंग इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले अपना गांव सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जो जॉब कार्ड या फैमिली नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका जॉब कार्ड नंबर आ जाएगा। अगर इस पर पहले से फीड है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्रॉस के ऑप्शन पर इसे कट कर देना है तो इजीली कट हो जाएगा। पहले से फीड इस पर जो आधार कार्ड है अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आपको कट कर देना है और यहाँ से फिर से आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जो नाम है आधार कार्ड पर है वो बिल्कुल सेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो आधार कार्ड है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव वेरीफाई रिकॉर्ड दिस पेज पर आपको क्लिक कर देना है और आपका जो आधार कार्ड है वो आपके जॉब कार्ड पर चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अब भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।